नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मी गुप्ता, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है लक्ष्मी किचन क्वीन। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट्स, और इस स्वीट्स का नाम है गुलाब जामुन। ये मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ और ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। तो चलिए गुलाब जामुन की रेसिपी शुरू करते हैं। आज जो मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ वो मैं गिट्स से बनाऊँगी, और इसमें कुछ सामग्री है जो इस प्रकार हम दिखाए हैं। इसमें गिट्स का एक पैकेट लेंगे, थोड़ी सी रिफाइंड, एक कटोरी दूध, एक कटोरी चीनी और थोड़ी सी इलायची। इलायची जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं इसमें और नहीं भी। हम एक थाली में थोड़ी सी इसमें घी लगा देंगे, ताकि वो इसमें जो गिट्स वाला पाउडर जो हम मिलाएंगे वो आपस में चिपके नहीं थाली में, इसलिए हम इसमें घी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब ये जो गिट्स का पाउडर है हम इसमें एक थाली में इसमें निकाल लेंगे, और इसमें हम सारा नहीं निकालेंगे, कुछ ही, जितने से वो 8-10 बॉल तैयार हो जाए उतनी हम इसमें निकाल के इसमें दूध मिला के इसे हम एक डोई बना लेंगे। आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी का भी, और थोड़ी सी 2-4 इलायची के दाने हम इसमें मिला लेंगे, और दूध जो डालना है, दूध डालने के बाद हमें हल्का हल्का इसे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही इसे धीरे धीरे हमें आपस में मिला लेना है, और इसे एक आटे की डोई हमें तैयार कर लेना, आटे की जैसे कि एक डोई तैयार कर लेना। और ये देखिए हमारा डोई जो है ये तैयार हो गया है, और ये आपस में जब हाथ में चिपचिप होने लगे, देखिए ये देखिए हाथ में हमारा हल्का सा चिपचिप हो जा रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो गिट्स वाली डोई है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब ये डोई जो है ये तैयार हो गई है, अब हम इसमें आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब हम इसमें छोटा सा बॉल बना लेंगे हाथ में, अच्छी तरह से बॉल को मिला मिला के बनाएंगे, जिससे बॉल वो फटे नहीं। अगर नहीं फटता है तो समझना चाहिए कि हमारा आटा का जो डोई है वो बिल्कुल ही तैयार हो गया। और ये देखिए हमारा जो है बॉल वो बन के तैयार है। हम बॉल जो बनाएंगे ये मीडियम साइज का बनाएंगे, और जितना हो हम सारे को एक साथ बना लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस चलेंगे। और ये देखिए हमारा जो है टोटल डोई जो है वो बन के बॉल जो है ये रेडी हो गया है। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। एक लोहे की कढ़ाई को हम गैस में गर्म करेंगे, और उसमें थोड़ी सी रिफाइंड एक कटोरी हम उसमें ऐड कर देंगे, और रिफाइंड को हल्का सा गर्म होने देंगे, जैसे वो हल्के हाथों से हम छू पाए। और ये देखिए हमारा जो तेल है वो हल्का सा गुनगुना गर्म हो चुका है। इसमें ज़्यादा हमें तेल को गर्म होके इसमें नहीं छोड़ना, इसमें उंगली रख के देख लेना जितना हम इसमें बर्दाश्त कर सकें, और इसे पकाने के लिए हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फिर हमारा जो डोई जो है वो जो डोई हम बना के रखे हैं गोले मीडियम साइज के वो जल जाएगा। तो इसे हल्का सा हमें गर्म होने देना है और इसे तल लेना है, धीरे धीरे आँच में इसे तलते जाना है। और ये देखिए हमारा जो है ये हल्का सा देखिए फूलते जा रहा है, इसे ऐसे ही नरम आंच में हमें पकाना है, और इसे हमेशा हल्का हल्का हमें हिला लेना है आपस में, ताकि ये जो है आपस में देखिए ये हमारा फूलता जा रहा है गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन जो हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, ताकि मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ छानती हूँ ये लोहे के बर्तन में ही छानती हूँ, क्योंकि लोहे के बर्तन में छानने से इसमें एक अलग स्वाद रहता है, ये अपना एक अलग स्वाद रहता है, इसलिए हम अधिकतर सारी रेसिपी में हम लोहे का ही बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी तरफ हम इसमें चीनी की चाशनी बना लेंगे। इसमें एक गिलास पानी का हम इस्तेमाल किए हैं, और एक कटोरी चीनी इसमें हम ऐड करेंगे। चीनी करीब इसमें 200 ग्राम जैसी हो, और इस चीनी को हम घुले रहने तक अच्छे से गर्म कर लेना है, और इसे रंग जो पानी और चीनी जो मिक्स है ये थोड़ा सा पानी जो है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हमें उतार लेना, और इसमें थोड़ी सी इलायची दाना फ्लेवर के लिए डाल देना है। और ये देखिए हम चीनी को थोड़ा सा हम चला देंगे, और इधर देखिए हमारा गुलाब जामुन भी सारा बन के करीब करीब रेडी हो गया है। और ये देखिए हमारा गुलाब जामुन भी करीब करीब सारा बन के और एकदम फुला फुला बना हुआ है,
और ये बनके करीब करीब इसका कलर भी चेंज हो गया, वाइट से हल्के सुनहरे रंग में हो गया। इसमें और थोड़ी सी हमें देर तक पका लेना और भी इसका जो कलर जो है ये हल्का सा ब्लैक में आ जाएंगे, तब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा धीरे धीरे और ये पक रहा है और इसका कलर जो है यह चेंज हो गया है, चॉकलेट कलर का ये हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। और इधर हम जो चीनी की चाशनी बना रहे थे वो भी बनके रेडी हो गया। और ये देखिए कर इसका जो चीनी वाली पानी है ये भी हल्का सा कलर जो है वो गाढ़ा हो गया है पानी। अब हम इसमें सारे जो गुलाब जामुन की बॉल है एक एक करके इसमें सारी हम डाल देंगे और इसे करीब 2 घंटे या 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और 2-3 घंटे बाद इसे हम जब खाने के लिए निकालेंगे तो इसका आकार जो है और भी फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों अब ये देखिए हमारा गुलाब जामुन जो है फाइनली बनके रेडी हो गया है और बिल्कुल ये फुला फुला बना और एकदम स्पंज के जैसे ये रसगुल्ला जो है गुलाब जामुन ये बना हुआ है। आप भी दोस्तों इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ट्राई करें। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।